हाय गाइस, मैं शांत हूँ। आप देख रहे टेक्निकल शान, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट जी कैम पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो के लिए। तो चाहिए, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप पोको M2 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो या रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको बेस्ट जी कैम का पोर्ट चाहिए जो कि आपका काफ़ी कैमरा को इम्प्रूव कर सकता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जी कैम। क्योंकि मैं आपका 3 से 4 दिन ट्राई करने के बाद जी कैम, मुझे एक जी कैम मिला जो कि काफ़ी अच्छा आपको फोटोज़ में रिजल्ट दे सकता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। फोटो वीडियोज़ दोनों ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा, और आप उसको डायरेक्टली मतलब डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्रैश और ऐसे कुछ लैग इसमें बग्स है नहीं कि जो का आपको मतलब यूज़ करने का मन नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको कैमरा को ओपन कीजिएगा तो आपको न्यू टाइप का लुक जो है ओवरऑल ये देखने को आपको मिलने वाला है। और ये आपका न्यू मॉड भी है जो कि आपका जी कैम का नया मॉड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइट सभी आपका अच्छा से काम कर जाता है। तो अगर नहीं करता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दूसरा भी सजेस्ट कर सकता हूँ। बट ये आपका वन ऑफ द बेस्ट काम कर रहा है अभी तक मेरे को जो भी मतलब पोर्ट मिला है, क्योंकि मैं बहुत सारा पोर्ट ट्राई कर रहा था तो मेरे को ये पर्सनली अच्छा लगा, और मतलब इसमें कोई बग्स अभी तक दिखा नहीं है मेरे को। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको जो UI है इसमें आपको वाइट और ट्रांसपेरेंट और ऑरेंज में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा आपको लुक न्यू टाइप का देखने को मिल जाएगा। और जितना भी सेटिंग्स है ये सब आप कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी और आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपका जी कैम का पोर्ट में जो वो आपको ये सब सेटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे कि यूज DPI iOS वाला जो फीचर वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप देखिए तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो इसका जो नाम है ये आपका पिक्सल कैम 2.0 है, जो कि आपका पिक्सल कैम प्लस 2.0 काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कैमरा एप्लीकेशन जी कैम का पोर्ट जो है। तो मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अराउंड आपका 8 MB का है तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़्यादातर फोन्स में यह काम कर जाएगा। कोई भी जिसमें आपका स्नैपड्रैगन डिवाइस मतलब प्रोसेसर उसमें आपका काम कर जाएगा, और दूसरा आपका मतलब कि मीडियाटेक वाला डिवाइस में काम नहीं करेगा ये, बट स्नैपड्रैगन अगर आपका है तो ये आपका काम कर जाएगा। और इसमें आपका लेंस कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कॉन्फ़िग कर सकते हैं, और बाकी भी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और XML फाइल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी अलग सा आपको वीडियो मिल जाएगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा XML फाइल है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको उसमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि यूज DCI-P3 ये सब, जो कि आपका मतलब जो प्रोसेसिंग है कलर प्रोसेसिंग ये आपका IOS वाला यूज़ कर लेता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। लैग फिक्स है जिसमें कि आपको लैग एकदम देखने नहीं मिलेगा इस कैमरा एप्लीकेशन में। और उसके बाद आपका लिब वाला जो है वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा कि वो आपका सॉल्व हो गया इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आपका लेंस का जो ऑप्शन है वो भी आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, लेंस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, जो कि दूसरा में मतलब आपका बग रहता है तो इसमें आपका बग्स इसमें नहीं है इस मतलब एप्लीकेशन में लेंस वाला। तो ये आपको सभी को जितना भी प्रॉब्लम था इसमें आपका सॉर्ट आउट हो गया है। और पर्सनली अगर आपको यूज़ करना जी कैम स्नैपड्रैगन डिवाइस में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जो कि आप स्नैपड्रैगन डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। 720G या 7 सीरीज़ का प्रोसेसर में आपका अच्छा से काम कर जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टैप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।